हिमाचल प्रदेश को ये सरकार कैसे बेचने की कोशिश कर रही है। उसको बेचना नहीं बोलते हैं, मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी। अंदर खाते जो है इतना पैसा लगा के ये संपत्तियां तैयार हुई और सरकार ने इनको बेच दिया। किस संपत्ति की बात कर रहे हैं वो? तो इसलिए बेचने वाले तो वो है और उनका बस चलता तो वो बहुत कुछ बेच देते हैं, लेकिन तब तक लिए सारी चीजें उनके बस में रही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को ये सरकार कैसे बेचने की कोशिश कर रही है? हिमाचल फॉर सेल जो है, हिमाचल फॉर सेल इनका हमेशा से कंसेप्ट रहा है और एक बार सुन लीजिए मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप सुनिए ना, आप सुन अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म की प्रॉपर्टी, पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टीज, ये लगभग जो है एडीबी से कर्जा लेके 200 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और ये प्रॉपर्टियां बनाई जा रही हैं। अब आप देखें कि मंडी की प्रॉपर्टीज की क्या स्थिति है। मंडी में जो कन्वेंशन सेंटर बनाया है 41,57,11,481 रुपए का ये सेंटर बना है, और जो जंजैली में जो है कल्चर सेंटर बना है ये 27,16,08,945 रुपए का बना है। अध्यक्ष महोदय, कर्जा लेके ये प्रॉपर्टियां तैयार की गई हैं और ऐसे ही है, अध्यक्ष महोदय, ये जो मंडी में जो है एक और बनाया गया बख्श और कन्वेंशन सेंटर एट क्यारी घाट की जगह आप रोज देखते हैं आते जाते, 37,60,03,000 रुपए का, ये चार प्रॉपर्टियां सामने हैं, एडीबी से कर्जा लिया और ये बना रहे हैं, और अंदर खाते जो है इतना पैसा लगा के ये संपत्तियां तैयार हुई और सरकार ने इनको बेच दिया। किस संपत्ति की बात कर रहे हैं वो? जहां टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने सिर्फ और सिर्फ जो है चलाने के लिए, उनको संचालित करने के लिए दो तीन जगह हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को काम देने की बात कही है। उसको बेचना नहीं बोलते हैं, मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी, और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, लीज को, लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापिस लिया जा सकता है, और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के शर्तों के मुताबिक चलेगा। और मैं विपक्ष वालों को इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूं, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये क्या वजह रही सरकार की, मैं कह सकता हूं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दी, और उसमें से क्या हासिल हो रहा है इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए बेचने वाले तो वो हैं और उनका बस चलता तो वो बहुत कुछ बेच देते हैं, लेकिन तब तक लिए सारी चीजें उनके बस में रही नहीं।